प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सोनकच्छ में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव विशेषता लिए हैं। देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में भिन्नता लिए हैं। इस बार वास्तविकता में चुनाव देशभक्त और देश के गद्दारों के बीच है, वहीं भारत के प्रेमियों और पाकिस्तान के समर्थकों के बीच है। प्रदेश सरकार की रोजगार योजना के संबंध में पूछे गए सवाल पर भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों को ढोर चराने, बैंड बाजा बजाने जैसे रोजगार देकर नौजवानों का मजाक बना रही है और साथ ही लोकसभा की सारी सीटें भाजपा के पक्ष में। इस बार का चुनाव कुछ विशेषताएं लिए है और पिछले जितने भी चुनाव देश में लोकसभा के हुए हैं उन सबसे कुछ भिन्न चुनाव। चुनाव यदि वास्तव में हम कहें संक्षेप में तो यह है चुनाव देशभक्त और देश के गद्दारों के बीच में, यह भारत के प्रेमियों के बीच में और पाकिस्तान के समर्थकों के बीच में चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसमें पूरी देशभक्ति की पहचान हो जाना है और जो कथित उसे देश में रह रहे हैं, देश की मिट्टी का उत्पन्न किया हुआ भोजन कर रहे हैं, अन्न का, देश की नदियों का पानी पी रहे हैं, देश के अंदर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक नंबर का भी कमा रहे हैं, दो नंबर का भी कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बजा रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के बीच में और देशभक्तों के बीच में चुनाव। वेबसाइट जो है उस पर आप देखिए, उस पर लिखा हुआ है कि एक तो मवेशी चराने का काम जो है वो बेरोजगार कर सकते हैं, उसको रोजगार मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग भी होगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि बैंड बजा खाने का काम जो है वो भी नौजवान कर सकते हैं, उसमें भी उनके लिए पैसा देंगे। और तीसरा भी मुझे जानकारी मिली कि सांप पकड़ने का काम भी कर सरकार कह रही है, प्रत्येक सांप पे हम इतना पैसा देंगे। आखिरी सवाल, सारी सीटें हम जीतेंगे।